और रायपुर में स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने हमारे संवाददाता दिलीप साहू पहुंचे हैं। कल मतगणना है और ऐसे में स्ट्रांग रूम में भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिसे जानने के लिए पहुंचे हैं। दिलीप, बताएं किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और फिलहाल क्या व्यवस्थाएं स्ट्रांग रूम में? जी वर्षा, बता दें कि कल सुबह मतगणना शुरू हो जाएगी और सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोल लिए जाएंगे। उसके बाद 8 बजे से मतपत्रों की मतगणना शुरू होगी, उसके बाद फिर ईवीएम के ताले खोले जाएंगे 8:30 बजे। अभी हम लोग सेज बाहर स्थित मतगणना स्थल पर हैं, देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उसके माध्यम से सभी परिसर की निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वालों का एंट्री किया जा रहा है और ये जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार में सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी है, साथ ही साथ सुरक्षा के दल है, बंदूकधारी है और हर आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी यहाँ एंट्री किया जा रहा है जो इस कार्य में लगे हैं। और टेबल और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसकी तैयारी की जा रही है कल के हिसाब से कि कल क्या क्या जरूरत पड़ सकते हैं। और सभी अधिकारियों का दौरा हो रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो जो कर्मचारी यहाँ ड्यूटी में रहेंगे उनकी भी वे भी आ रहे हैं, एक बार मतगणना स्थल का मुआयना करके जा रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो सुरक्षा के अधिकारी है वो मौजूद है यहाँ। हर आने जाने वालों की एंट्री की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है। और ये जो अंदर की नज़ारा है, इधर हम दिखाना चाहेंगे, ये जो ऊपर जो लगाए गए हैं टेबल यहाँ पे रहेंगे और वहाँ से जो आम लोग हैं या मीडिया कर्मी हैं वहाँ बैठ के उन तमाम चीज़ों की जानकारी ले पाएंगे। और इसके अलावा जो मतदान जो मतगणना कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वे अंदर जाएंगे और वहाँ से जो स्ट्रांग रूम से ओपन करके जब लेके आएंगे तो इन स्थलों पर वहाँ पर जो परिसर दिख रहा है इसके अंदर बैरिगेट्स के अंदर जो हॉल है वहाँ पर पूरी टेबल लगाई गई है। और उस 14-14 राउंड की जो टेबल है सभी विधानसभा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए हर आने जाने वालों को की वीडियोग्राफी की जा रही है, साथ ही साथ उनकी जो आई कार्ड है वो चेक किए जा रहे हैं। और अनवांछित लोगों का प्रवेश यहाँ वर्जित है और देख सकते हैं वीडियोग्राफर भी यहाँ मौजूद है, वे हर आने जाने वालों की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ जो भी अधिकारी आ रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हो या मतदान कर्मी में शामिल होने वाले तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हो उनके भी पूरी जानकारी ली जा रही है। और जो भी आ रहे हैं उनको मोबाइल यहाँ जमा कराना है और उसके बाद चेक करके ही उनको एंट्री दिया जा रहा है। वहाँ जिनकी जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने जिम्मेदारी स्थल पर जाकर एक बार मुआयना करके आ रहे हैं और उसके बाद फिर तमाम जो चीज़ें हैं वो की जाएगी। तो ये सभी व्यवस्थाएँ जिला अधिकारी की ओर से किया गया है और तमाम जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनसे भी हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि सभी इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। 3 लेयर में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे पहले CISF की टीम अंदर स्ट्रांग रूम पे पहरा दे रही है, उसके बाद फिर सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की जवान है वो मौजूद है और जिला प्रशासन की ओर से भी जो टीम है यहाँ मौजूद है, जिला पुलिस बल यहाँ मौजूद है। 3 लेयर में था यहाँ पर की गई है। दिलीप, आप लगातार तस्वीरें हमें उपलब्ध कराते रहेगा, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।